तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल अभिषेक एंड प्रतीक, थैंक एंड वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर वेब सीरीज ये विठल टीडी। प्रोमो इज अमेजिंग एंड ट्रेलर इज आल्सो लुकिंग अमेजिंग। सो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस यू गॉट टिल नाउ रिलेटेड टू विठल टीडी प्रोमो एंड ये ट्रेलर टीजर? सी आफ्टर द फर्स्ट लुक The teaser, then the motion poster, and then the trailer. I guess people are very, very excited. We have been receiving a lot of comments on social media. There are a lot of people who are reaching out personally also. In our inner circle also, people are very excited because I guess this is the subject which has never been spoken in Gujarati cinema or Gujarati web world till now. So it's a very, very interesting world that we have created with Vittal, and that's it, yeah. And we are super excited about it. अभिषेक सर, विच काइंड ऑफ स्टोरी इन दिस विटल टीडी? आई वांट टू नो, कैन यू ब्रीफ मी? So the story is about a small time gambler जो सौराष्ट्र रीजन में रहता है और 80s के दशक की ये कहानी है और इस तरह से वो अपने उसूलों और जिंदगी के जो सरकमस्टेंसेस हैं उसके बीच में झूलता हुआ जिंदगी के कुछ निर्णय लेता है। तो क्लासिकल 80s की कहानी है और इट्स एन ओड टू द फिल्म्स दैट यू हैव सीन इन द 80s, बी द म्यूजिक ऑफ कल्याण जी, आनंद जी, आर डी बर्मन, और बी द एंग्री यंग मैन एंड द विनोद खन्नाज ऑफ आवर वर्ल्ड दैट वी हैव सीन इन द 70s एंड 80s। प्रतीक से जिस तरह से आप कैरेक्टर निभा रहे हैं, सो अपने कैरेक्टर के क्या कुछ आप खासियत बताना चाहेंगे या फिर कितना कुछ रिलेट कर पाए अपने कैरेक्टर से, ये जानना चाहूंगी। देखो, जहां तक खुद रिलेट करने की बात है तो यार मुझे ताश की उतनी सारी कोई गेम्स आती नहीं है। तो मैं मतलब वो जब छोटे थे तब जो खेलते थे यार, वो 2 3 5 और 7 8 और उससे ज्यादा मैं कुछ कभी खेला नहीं होता। तो वैसे तो कोई रिलेशन है नहीं, गैम्बलिंग लाइफ में कभी की नहीं। पर सबसे ज्यादा मजा जो भी इस कैरेक्टर को करने में आया वो ये है कि बहुत ही ह्यूमन कैरेक्टर है, कॉम्प्लेक्स इमोशंस है। और ये जो वर्ल्ड हमने क्रिएट किया है और सौराष्ट्र का एक गांव है, गांव के उसके आजू बाजू की पूरी जो दुनिया है वो बहुत रिलेटेबल मुझे इस हिसाब से लगती है क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां पढ़ी है। आप गुजराती लिटरेचर अगर देखोगे, सौराष्ट्र की रसदार और सौराष्ट्र का लिटरेचर देखोगे तो आपको ये जो विजुअल्स है ना वो सारे दिखेंगे किताबों में भी जब आप पढ़ते हो। तो मुझे ये एक बहुत मजा आया कि ऐसी एक कहानी का मैं हिस्सा बन पाया और ऐसी एक कहानी ओहो जैसे प्लेटफॉर्म पे आ रही है और मतलब वो दुनिया के कोने कोने में गुजरातियों तक पहुंचेगी और इनफैक्ट नॉन गुजराती तक भी पहुंचेगी। So, कितना चैलेंजिंग रहा इस किरदार को निभाना या फिर इस वेब सीरीज को करना आपके लिए और अभिषेक सर आपके लिए, कि कितना डायरेक्शन में क्या कुछ मुश्किलें आई या फिर आप लोग कितना एंजॉय किए इसको करते हुए, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली मेरे लिए एक्सपीरियंस काफी काम करने का एक्सपीरियंस तो काफी आसान था क्योंकि प्रतीक के साथ मैं पहले भी काम कर चुके हैं और हमारी अपनी एक क्रू है, एक कंफर्ट है। और प्रतीक जब भी काम करने आता है तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि एक एक्टर या एक स्टार, अब तो स्कैम स्टार भी है प्रतीक, तो ऐसा नहीं लगता है कि एक सुपरस्टार या स्टार आया है। इट इज लाइक मतलब प्रतीक की खासियत ये है कि हम अगर कहीं अटक जाते हैं तो प्रतीक हमारी मदद भी करने आ जाता है। तो दिस इज द काइंड ऑफ मॉडेस्टी दैट दिस मैन हैज। एंड जहां तक एज अ डायरेक्टर बात है तो क्योंकि मैंने अब तक फिल्में ही बनाई हैं तो फिल्मों के फॉर्मेट से उठ करके एक वेब सीरीज के फॉर्मेट को लिखने से लेकर के बनाने तक का एक थोड़ा अपना खुद का एक चैलेंज रहता है, जो इंटरनल चैलेंज है उसको झेलते हुए हमने बस बना ली। ओके सर, आपसे जानना चाहूंगी। अरे बहुत मजेदार था, हमने जहां पर जाके शूट किया है ना वो जगह भी बहुत मजेदार थी और जिस एटमोसफियर में जैसे, और देखिए अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट रीजनल कंटेंट राइट, तो रीजनल के अपनी एक खुद की कुछ चैलेंजेस होती हैं और ये सारी चैलेंजेस हम लोग तो पिछले 10 सालों से देख रहे हैं, बीआर के टाइम से हम लोग देख रहे हैं। शायद अभिषेक तो मुझसे भी पहले से जानता है इन सारी चैलेंजेस, और अब तो उसने मास्टर कर लिया है कि ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में ही काम करना चाहिए। तो ये सारा जो है ना वो तामझाम बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हम जिस गांव में शूट कर रहे थे वहां ना इंटरनेट था, कई लोकेशन बार के बारे बिजली में चली जानना जाती। चाहूंगी कि कहाँ शूटिंग हुई है। अभिषेक लोकेशन के बारे में बताओ यार, सॉरी, लोकेशन कहाँ शूट किया है वो थोड़ा लोकेशन के लोकेशन के बारे बारे में। ये सौराष्ट्र के गिर रीजन में, गिर के बारे में आपने सुना ही होगा, सासन गिर और गिर, उस रीजन में शूट हुई है। और मजे की बात ये है कि जहां हम शूट कर रहे थे वहां समझ लो कि 100 मीटर के अंतराल पे ही आपको शेरों के दहाड़ों की आवाज सुनाई देती थी, शेर दिखाई देते थे। रात में जब आप आधी आधी रात को शूट कर रहे तो शेरों के दहाड़ सुनाई देते थे। तो हमने मतलब बीच जंगलों में जाकर के शूट किया है, उधर के छोटे छोटे गांवों और कस्बों में जाके शूट किया है।
तो और उस तरह का पीरियड हमने सेट करने की कोशिश की है। सारे रियल लोकेशंस हैं और बात भी वहां की है, तो और मजेदार है, मतलब इट एड्स अ लॉट ऑफ थिंग, यू नो, लॉट ऑफ वैल्यू टू द स्टोरी। विटल टीडी वेब सीरीज की बात की जाए तो आप लोग दोनों के हिसाब से क्या कुछ ऐसा लगता है यूएसपी पॉइंट्स जो ऑडियंस को पसंद आएंगे इसमें? एक तो बात हालांकि गुजराती भाषा की है ये वेब सीरीज, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी अपनी खुद की ग्लोबल अपील है। दूसरी चीज जो लोगों को बहुत अच्छी लगेगी शायद, जो मैं सिर्फ शायद कह सकता हूँ क्योंकि अब तो जनता जनार्दन ही जानती है क्या होगा इसका, लेकिन जो इसकी स्टाइल है, जिस तरह का हमने म्यूजिक क्रिएट किया है, जिस तरह की स्टाइलिंग क्रिएट की है प्रतीक की, जो आप ट्रेलर में भी देखोगे तो एक रेट्रो लुक दिया है, एक रेट्रो फील दिया है, तो शायद वो लोगों को काफी अच्छा लगेगा। और तीसरी जिसके लिए अब प्रतीक बहुत माने जाते हैं और विश्व भर में लोग पहचान गए उन्हें, वो है उनकी डायलॉग डिलीवरी। तो डायलॉग डिलीवरी में से भी कुछ कुछ रस जो है वो आएगा और लोगों को मजा आएगा उसमें से। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे जिस जो मुझे लगता है कि जो कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएंगी। एक तो गुजराती में इस प्रकार का कंटेंट अभी तक नहीं बना है, तो वो एक नयापन है इसमें। और गुजरात की कहानी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे शायद पहली बार आ रही है, और ये गुजरात का पहला ऐसा प्रीमियम कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसपे सारी गुजरात की ऐसी बहुत सारी कहानियां हम लेके आएंगे, अभिषेक और द होल टीम। तो एंड विट्ठल इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, विट्ठल इज द फर्स्ट वेब सीरीज दैट इज कमिंग आउट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो दैट इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग। दूसरा ये है कि ये क्योंकि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है तो इट इज नॉट गोइंग टू बी लिमिटेड ओनली टू गुजरात और बॉम्बे और इंडिया, it will be, you know, it's going to be streaming all across, तो वो भी सब जगह लोग देख पाएंगे। और दूसरा अभिषेक ने जैसे कहा स्टाइल, ये स्टाइल जो है ना वो ये रेट्रो, शायद हम सब जानते होंगे यार, जब हमने देखी है 80s की फिल्में, वो म्यूजिक कब पीक पे जाता है, वो चेस सीक्वेंसेस कैसे होते हैं, वो टेंशन कैसे बिल्ड होता है म्यूजिक से, तो ये बहुत ही एक नॉस्टैल्जिया देने वाली फील है, एटलीस्ट हम 80s वालों के लिए तो बहुत ही अमेजिंग है ये। So, sir, अगर कोई भी स्टोरी हो या फिर वेब सीरीज हो या फिल्म हो, कुछ ना कुछ हमें सिखाती है, ये वेब सीरीज आपको क्या कुछ सिखाई है? और आपसे ये भी जानना चाहूंगे कि स्कैम 1992 आपको क्या कुछ सिखाई थी? देखिए स्कैम की जहां तक बात है ना, तो स्कैम तो वैसे ही इट्स अ कॉशनरी टेल, मतलब बोध कथा जैसा ही उसको लेना चाहिए। सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपनों के पीछे भागना भी बुरी बात नहीं है, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि कब रुक जाना। तो स्कैम से तो जो सीखा हूँ मैं, मुझे मतलब मैं जैसे समझ पाया हूँ वो इतना ही समझ पाया। जहाँ तक विट्ठल की बात है तो विट्ठल से तो बहुत कुछ जानने सीखने मिलेगा कि हमारी खुद की जो इमोशंस होते हैं ना, खुद के परिवार के प्रति जो प्यार है, जो इमोशंस हैं, और हम ये मॉरल वर्ल्ड में जो जिंदा है आज, उसमें इंसान कितनी मुश्किलों से गुजरता है और फिर भी कैसे अपने रास्ता निकालता है, ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये शायद कहानियों में हमने आगे बहुत सुना भी होगा, बट द वे यू एक्सपीरियंस दिस एज अ कैरेक्टर इज वेरी एनलाइटनिंग फॉर मी एवरी टाइम। तो जिस तरह से आप दोनों ने लोकेशन के बारे में बोला, मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से शूटिंग का एक्सपीरियंस रहा या फिर किस तरह उस टाइम रहता था माहौल, ये जानना चाहूंगी। कितना आप लोग एंजॉय कर पाए या फिर कितना एक दूसरे के साथ प्रैंक कर पाए, और कोस्टार्स के बारे में भी जानना चाहूंगी कि और किस तरह से नजर आने वाले हैं कैरेक्टर्स। अरे हमने तो बहुत मजे किए इधर यार, और ये तो एटमॉस्फेयर भी ऐसा था, जब हम शूट कर रहे थे तब ठंड थी, तो रात शाम के बाद बहुत ठंड होती थी और दोपहर में इतनी ही गर्मी लगती, तो वो एक तो मतलब एक्सट्रीम वेदर था उधर काम करने के लिए, और हमारा शूटिंग लोकेशन और हम लोग जहाँ रहते थे उसमें भी काफी अंतर था। और जैसे अभिषेक ने कहा कि जंगल से थोड़े ही दूर थे हम, तो कभी भी शेर की दहाड़ सुनाई देती है, कभी भी कोई मतलब, और ये भी बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि हम यहाँ शूट कर रहे हैं और जैसे एक्शन बोलो कि उधर ही शेर की दहाड़ आती थी, तो हम तो ऐसा मजाक कर रहे थे कि शेर भी शायद हमारा एक्शन सुन के शेर ही दहाड़ना शुरू कर देता है हमारे से पहले। पर हाँ एक बात ये होती थी कि सुबह उठे रेडी हुए और फिर सेट पे चले जाते थे, फिर हमें नहीं पता हम वापस कब जाएंगे। तो हमने मतलब ऐसे शूट किया है कि इट नेवर फेल्ट लाइक वी आर शूटिंग और वी आर ऑन अ प्रोजेक्ट, यू नो, इट इज We were just enjoying ourselves. Okay, अभी सेक सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे विट्ठल टीडी के बारे में, अपने आप से खुद से जो आपको लगता है कि ऑडियंस को जानना चाहिए? मुझे लगता है कि गुजराती एंटरटेनमेंट में ये एक ऐसा पहला प्रयास है और अपना खुद का एक रीजनल ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो अपने आप में गुजरातियों को एक गौरव अनुभव
कराए, वैसी बात है। हम चाहेंगे कि ग्लोबली गुजरात में गुजरातियों की कहानी ना ही सिर्फ गुजरात में लेकिन ग्लोबली सब तक पहुंचे और सिर्फ गुजरातियों तक सीमित ना रह जाए, क्योंकि कहानियों की अब कोई ऐसी भाषा नहीं रही है। अगर हम स्पेनिश भाषा की भी सीरीज देख सकते हैं तो हम गुजराती भाषा की भी सीरीज देख सकते हैं। तो हमने कोशिश सिर्फ ये की है कि हम अच्छी कहानी लोगों तक जितने भी हो सके उतने पहुंचाने की कोशिश की है। जहां तक एक्सपीरियंसेस की बात आती है तो आई थिंक हर फिल्म हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक अपना चैलेंज और अपने एक्सपीरियंसेस लेके आता है, और प्रतीक जैसे व्यक्ति के साथ में काम करने का एक अपना एक्सपीरियंस है। हम तो मतलब नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं उसके बारे में भी तुरंत सोचना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि अब प्रतीक बहुत बिजी है तो हमें अभी से लिखना शुरू करना पड़ेगा, और आकर के एक साल डेढ़ साल में फिर प्रतीक की डेट मिले और फिर हम कुछ ऐसा कमाल का काम करें साथ में मिलकर के, वैसी कोशिश करेंगे। बट जहां तक लोगों तक पहुंचाने की बात है तो मैं चाहूंगा कि लोग जाने गुजराती कल्चर को, गुजराती भाषा को, गुजरात में बनते एंटरटेनमेंट या कॉन्टेंट को, और समझे कि हम सिर्फ गुजराती भाषा से या गुजरातियों से लिमिटेड कुछ नहीं कहना चाहते, हम दुनिया में लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फिल्म आएंगी या फिर वेब सीरीज आने वाली है आपकी? फिल्म और वेब सीरीज दोनों कर रहा हूँ मैं इस साल, तो दोनों आएंगे, जिसकी शुरुआत पिठल तीड़ी से हो रही है। इनफैक्ट पिठल तीड़ी स्कैम के बाद का हमारा पहला ऐसा काम है जो रिलीज हो रहा है। बाकी तो या मतलब जैसे ये थोड़ा माहौल बाहर का ठीक होगा, शूटिंग शुरू हो जाएंगी बाकी सब। जिस तरह का अभी माहौल बना हुआ है पैंडेमिक का और कोविड-19 का, जिस तरह से सिचुएशन है अपने देश में, तो क्या कुछ उसको लेकर आप लोग दोनों बोलना चाहते हैं, उस पर आप दोनों का क्या टेक होगा? ये मेरा तो टेक बहुत सिंपल है। मैं ये मानता हूँ कि मैं जानता हूँ कि हर एक आदमी बहुत कुछ शायद ना कर पाए, पर एक चीज तो हर एक आदमी कर सकता है और वो उसे करनी चाहिए, वो देश की, खुद की, सोसाइटी की बहुत बड़ी सेवा होगी। सिर्फ अपना ध्यान रख के अपनी सुरक्षा का इंतजाम भी कर लेगा हर एक आदमी तो भी शायद बहुत कुछ हो पाए। बिकॉज जैसे लोग मतलब भीड़ में बाहर जाना और ये सब वो जो हुआ पिछले कुछ महीनों में, इसी का नतीजा हम लोग सब भुगत रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ बाकी सब भी छोड़ो, थोड़ा सेल्फिश होकर सिर्फ खुद का सोचना भी शुरू कर देंगे लोग तो भी हम बहुत अच्छी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। मैं लोगों से सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप अगर कुछ भी देश की सेवा करना चाहते हैं तो अपने घरों में रहिए और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए, और आसपास में लोगों को भी इस बारे में सचेत कीजिए कि वो अपने घरों में रहें और बिन जरूरी बाहर न निकलें। कुछ ही समय और खींचना है, पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं, और ये एक चीज है, दिस शैल ऑल्सो पास, और हम एक नया सूर्योदय देखेंगे शायद। प्रतीक सर, आपने स्कैम 1992 किया, उससे अलग ही आपको फेम मिला, सो बहुत कुछ लाइफ में चेंजेस आई होगी और बहुत कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे, सो इसको आप किस तरह से लेते हैं ये जानना चाहूंगी मैं। कि मैं तो इसे बाय प्रोडक्ट की तरह लेता हूं, मैं जो काम करता हूं उसके साथ ये सारी चीज जुड़ी हुई है। हमारा फील्ड ऐसा है कि ये हमें ज्यादातर लोगों तक पहुंचा देते हैं, और लोगों का ऐसा मतलब स्कैम से जो हुआ, लोगों को वो किरदार बहुत पसंद आया, वो पूरी कहानी बहुत पसंद आई है। तो इसका श्रेय मुझे अकेले का नहीं है, ये श्रेय पूरी टीम का है, बिकॉज सारे डिपार्टमेंट ने इतना बेहतरीन काम किया कि स्कैम एज ए सीरीज लोगों के दिल को छू गई। और क्योंकि मैं उसका चेहरा बना हूँ, मैं उसका फेस हूँ, मैं उसमें काम कर रहा था, तो शायद लोग शायद सारा प्यार मुझ तक पहुंचा रहे हैं, जो कि मैं चाहूंगा कि वो पूरी टीम तो तक बांट दूँ, सबको दे दूँ। और मैं इसे एक बाय प्रोडक्ट की तरह ही लेता हूँ, मैं इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता। तो आगे क्या कुछ आपकी प्लानिंग है, किस तरह से आप सेलेक्टिव प्रोजेक्ट्स करना चाहेंगे या फिर जो कुछ आएगा उसके लिए हाँ बोलना चाहेंगे, किस तरह से आपकी रहेगी? जी नहीं, मेरा हमेशा से यही तरीका रहा है, यही प्रोसेस रही है, फिर चाहे वो थिएटर हो, चाहे गुजराती फिल्म हो, चाहे हिंदी फिल्म हो या वेब सीरीज, जो स्क्रिप्ट मुझे ज्यादा एक्साइट करती है, कुछ नया कैरेक्टर करने मिलेगा जिससे मैं कुछ सीख पाऊंगा या जिसमें मैं वैल्यू ऐड कर पाऊंगा, मैं उसी का पार्ट बनता हूँ। अब इसे अगर सिलेक्टिव कहा जाए तो मैं सिलेक्टिव हूँ या फिर पता नहीं। सर, आपने हर्षद मेहता का किरदार किया है, जिस रोल को आपने निभाया वो तो अमेजिंग था, सो आपसे जानना चाहूंगे कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या कुछ था या फिर क्या कुछ है आगे? क्या कुछ? बहुत सारे हैं, आपसे जानना चाहूंगे। बहुत सारे हैं पर मुझे बायोपिक कैरेक्टर्स करने में बहुत मजा आता है, मैंने ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स थिएटर में भी किए हैं,
तो मुझे या और फिल्मों में वेब सीरीज में बायोपिक करने में ज्यादा मजा आएगा मुझे, ऐसा मुझे लगता है। एंड लास्टली क्या कुछ आप दोनों बोलना चाहेंगे विठल टीडी वेब सीरीज के बारे में? विठल टीडी वेब सीरीज के बारे में क्या कुछ आप फैंस से बोलना चाहेंगे, ऑडियंस से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज तो ऑडियंस को यही है कि हम लोग हर बार एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार हमने नया एक्सपेरिमेंट हमारी मातृभाषा में किया है, गुजराती में किया है। और एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबसे कि इसे भी उतना ही प्यार देना। आप लोग देखिए, आपको जो लगा जैसा लगा वो सब हम तक पहुंचाइए। हमारा प्रयास हमेशा से यही रहा है कि जैसे गुजरात की बात अगर करूँ तो गुजरात रीजन की बेहतरीन कहानियां, बेहतरीन किरदार आप तक पहुंचा सके। इस बार भी यही प्रयास किया है और यही प्रार्थना है कि आप लोग इसे भी इतना ही प्यार दें। अभिषेक सर क्या कुछ आप ऑडियंस से मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऑडियंस को सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पहली बार ऐसा कोई प्रयास होने जा रहा है, गुजराती अपना खुद का एक ओटीटी रीजनल प्लेटफॉर्म आ रहा है। अगर आपको उसका कंटेंट पसंद आए और ये प्रीमियम कंटेंट लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अगर आप ले सकें तो दुनिया भर में लोगों को दिखा देते हैं कि गुजराती अपनी एक छवि जो है वो किस तरह से दुनिया तक आगे रख सकता है। थैंक यू थैंक यू अभिषेक।